हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 ब्लॉग्स। तो फिलहाल अभी हम हैं चाखुंड लेक पे और अभी चाखुंड लेक से हम आगे निकलने वाले हैं वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल का नाम है घुगछो। तो घुगछो हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है और रास्ते में काफ़ी बर्फ़ मिलने वाली है। तो फिलहाल चल रहा है अपना ब्रेकफास्ट, चीज़ मैगी और साथ में ब्रेड। ये आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ मैं। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट चल रहा है, चीज़ मैगी ब्रेड, और इस तरफ जल रही है आग और इस वाली तरफ आप देख सकते हो बर्फ़ ही बर्फ़, खतरनाक बर्फ़ भाई। बहुत ठंड रही इस बर्फ़ की वजह से और रात को मौसम भी बिल्कुल क्लीन था तो और ज़्यादा ठंड। और सामने आप देख सकते हो सूरज निकल चुका है, धूप आ चुकी है और ये हमारा कैंप, स्पीकर और ये आग और पानी भाई। बोतल में आपको दिखा चुका पिछली वीडियो में, दिखाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, पूरा जम चुका है ये। और बर्फ़ के साथ मैंने ये मैगी बनाई है भाई, बट मैगी बनी है हर कुछ खतरनाक टेस्टी मैगी। तो फिलहाल अब दोबारा से अगला वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो आगे हम निकलने वाले हैं थोड़े से टाइम में, थोड़ी देर आग सेकेंगे, यहीं रहेंगे और पैकिंग वगैरह करके आगे की तरफ हम लोग पूरी ये पैक सामान सारा पैक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे वाटरफॉल के लिए। तो फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे का आपको दिखाते हैं। सो नाउ टेंट वगैरह उखाड़ दिया है हमने अपना और आग अभी भी जल रही है। तो आग हम लोगों ने जल्दी छोड़ दिया कि अगर वापस आते टाइम ठंड हुई तो आग की ज़रूरत होगी, तो जलती हुई छोड़ दी हमने आग। और नेक्स्ट हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है आज का, तो अभी हम जाएंगे इस वाले रास्ते पे। तो आगे आपको रास्ता दिखाते हैं। रात के टाइम हम लोग पानी लेने गए थे इस वाली तरफ, वो वाला रास्ता है ये, बहुत डिफ़िकल्ट है नीचे तो, और चलो देखते हैं क्या बनता है। सो ये रास्ता है आगे का और बर्फ़ भाई साहब, जमी हुई बर्फ़ है ये बिल्कुल हार्ड और स्पीड इस पर खतरनाक। और इस रास्ते पे हम लोग रात के टाइम भाई पानी लेने गए थे नीचे, खतरनाक रास्ता है आगे की, आगे से दिखाता हूँ आपको नीचे की तरफ भाई। बार गिरते पड़ते हम लोग लेके आए थे पानी और इसी रास्ते पे से होकर के अभी तो दिख ही रहा है रात को, एक हाथ पे टॉर्च एक हाथ पे पानी का बर्तन, खतरनाक था। तो ये बस इस वाले रास्ते से ही नीचे की तरफ हम लोगों को उतरना है और वो वहाँ जाके नीचे हम लोगों ने पानी भरा था और उससे आगे की तरफ हम लोगों को जाना है वाटरफॉल के लिए। तो वाटरफॉल पहुँचना है, पता नहीं कहाँ है वो, कोई आइडिया ही नहीं है। तो चलो फिलहाल कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि चला नहीं जा रहा। सो 20 मिनट लग गए हैं हम लोगों को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और इस तरह का रास्ता है, कहीं कहीं पर बैठ कर चलना पड़ रहा है भाई, बिल्कुल हार्ड बर्फ़ है ये, बिल्कुल ब्लैक आइस। और ये आप देख सकते हो, एक बार हम लोगों ने यहाँ पे भी स्टे किया था, उस टाइम पर साथ में था मैं, था ध्रुव, था नेगी, था भंवर, था अजीत था। तो हम लोगों ने ये वाली जगह पे स्टे किया था और अभी भी खतरनाक रास्ता कंटिन्यू है। ओ भाई, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ऐसे कुछ कुछ ही क्लिप्स दिखा पाऊँगा क्योंकि चला नहीं जा रहा है। तो आपने फ़ोन पकड़ के चलना तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ना मुझे खुद की कोई हड्डी तोड़वानी है ना ही फ़ोन तोड़वाना है क्योंकि ये वाले फोन को अभी तक 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है खरीदे हुए। तो भाई अगर इसको कुछ होता है तो किडनी बिकेगी मेरी। सो ये रास्ता आगे की तरफ, वो जंगल, ये पूरा जंगल क्रॉस करना है हम लोगों को और पता नहीं कहाँ तक जाना है, कोई आइडिया नहीं है, बस जाना है, ये मन बना लिया कि जाना है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं है। तो चल रहे हैं हम, मैं बाकी आपको अब दिखाऊंगा नीचे से। यहाँ पे तो मुश्किल हो रहा है चलना कैमरा पकड़ के, तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई देखो ये जम चुका हुआ है पानी, बट पनिहार नहीं जमा है और इस रास्ते पे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हम लोग आए हैं इस तरफ से काफ़ी ऊपर से, तो अभी क्या करा जाए, यहाँ पे फेस वॉश करा जाएगा और ब्रश करा जाएगा और कुछ और करा जाए और क्या करा जाए भाई, मैं ये चीज़ की फ़ोटो खींचूंगा पहले नीचे जाके। भाई पनिहार के पास अपने को कुछ मिला है, आपको भी दिखाते हैं। तो क्या लग रहा है आप देखो, ये गणेश भगवान की मूर्त के जैसा दिख रहा है, देखो भाई हर कुछ भाई टूथ में जम चुका है
वाटर बॉटल। सो ब्रश करने के बाद और फेस वॉश करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं आगे की तरफ, और रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है फिलहाल, ब्लैक आइस है सारी, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। ओ भाई ये कहाँ से लगी तो इस ब्लैक आइस के ऊपर चलना बहुत बड़ा टास्क है। एक चल रहे हैं हम, और आगे की तरफ का भी रास्ता खतरनाक है, वो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल पहले यहाँ से निकल लूँ आगे। यहाँ पे हम लोगों को दिखा है ये खतरनाक किसी जंगली जानवर का पंजा, तो हम लोग जो खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, ये ना हो कि सारी हवा यहीं टाइट हो, तो बहुत ही ध्यान से चलना पड़ रहा है भाई, क्योंकि कुछ अगर कोई जानवर मिलता है तो फिर ऑप्शन कोई नहीं है, कि ऑप्शन फिर होगा उस जानवर के पास कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो उसके पास ऑप्शन होगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोगों को रिस्क तो ले लिया है, आ गए हैं हम, अब तो काफ़ी ज़्यादा चल लिए हैं, बट भाई ये जो बर्फ़ है काफ़ी परेशान कर रही है फिलहाल तक। तो इस मोड़ से दूसरी तरफ तो धूप नज़र आ रही है, तो पहले तो पहुँचते हैं धूप में, फिर सोचेंगे आगे क्या सीन है, कहाँ तक है, कितना दूर है। तो रास्ता कुछ इस तरीके का है, फुटप्रिंट्स ऑलरेडी हैं लोगों के चलने के, दो लोगों के फुटप्रिंट्स हैं उस तरफ जाने के और वापस आने के, तो कोई गए होंगे लोग जो शिकार वगैरह करते हैं, हंटर्स, वो लोग गए होंगे इस वाली तरफ। तो हम लोग तो खाम खाई चल रहे होते हैं, और भाई जो पीछे वो जंगली जानवर के फुटप्रिंट्स थे वो एकदम फ्रेश थे, तो भाई हम लोगों को कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है, बस हम लोग चले जा रहे हैं, तो देखते हैं, बस होप कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम पहुँच जाएँ और भटके ना जंगल में, रास्ता ना भूलें, क्योंकि भाई छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है हम लोगों पे। तो धूप आ चुकी है और धूप पे से होकर के हम चल रहे हैं। तो सामने वाली तरफ से हम लोग आए हैं, और काफ़ी बर्फ़ थी उस तरफ, बट इस तरफ रास्ता ज़रा थोड़ा बिना बर्फ़ के है, तो चलना थोड़ा ईजी हो पा रहा है इस रास्ते, बट भाई खतरा बहुत है। ये हम लोगों ने पीछे देख लिया है जहाँ पे वो फुटप्रिंट्स मिले हम लोगों को, तो थोड़ा डर भी लगा कि कहीं कुछ हो ही ना, क्योंकि जंगली जानवर तो कोई था, और आसपास ही हमारे करीब करीब से ही परोस हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर वो फ्रेश स्नो पर क्या बोलते हैं, फ्रेश फुटप्रिंट्स थे वो वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर। ये पहाड़ हम लोगों ने एक और क्रॉस कर लिया है, और इसके बाद पता नहीं आगे और कहाँ तक जाना है, कोई आइडिया नहीं है, बस चलना है, और चल रहे हैं बेसरों में हम। तो यहाँ से आगे लोगों के भी फुटप्रिंट्स नहीं है अब भाई, पता नहीं डिसीजन सही रहेगा अपना या ये गलत, अब वो ऊपर वाला जाने, हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, हो सकता है देखा भी ना जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट हो ना ऐसा होप यही रहेगी। रास्ते का कोई अता पता नहीं है,
कौन सी तरफ है, आई थिंक वो ऊपर रास्ता है। ओ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी वाली तरफ जाना है, बस थोड़ी सी थोड़ा सा नेविगेट किया था कल किसी ने कि भाई उस वाली तरफ से उस वाली तरफ को निकल जाना, तो भाई किस वाली तरफ से किस तरफ को निकलना है ये पता नहीं है, बस चल रहे हैं। ये फ्रेश खुदी हुई मिट्टी आप देख सकते हो इस वाली तरफ है, यहाँ ये नीचे ये इस वाली तरफ, तो भाई ये इंसानों का काम नहीं है, और वो वहाँ नीचे भी, तो ये जंगली जानवर कोई खाना ढूंढ रहा होगा, तो ये उसका वो है भाई। अब तो भाई जेन्युइन सी बात है डर लगना, ये देख सकते हो आप, तो जेन्युइन सी बात है तो लग भी रहा है, और पता नहीं क्या बनेगा अपना ना, रिस्क से बनते हैं नाम, जिस लेवल का हम लोगों ने रिस्क लिया है उस लेवल पे लग रहा है कि रिस्क से नाम बनते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, बट रिस्क से नाम मिट जरूर सकते हैं। तो जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, चल रहे हैं हम। वाटरफॉल की आवाज़ तो आ रही है भाई, काफ़ी दूर की आवाज़ है, बट पता लग रहा है कि पानी की आवाज़ है। बस होप की सब कुछ प्रॉपर सेफ्टी के साथ हो जाए, कुछ भी दिक्कत ना हो, कोई हम लोगों को जंगली जानवर ना मिले, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ये व्लॉग भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट हाँ शायद हम लोग मिल गए तो फ़ोन पे व्लॉग होगा, और अगर ऐसा कुछ भी है होता है तो वीडियोस तो जो हम लोगों ने शूट करी है वो फ़ोन पे होगी। और भाई स्किन देखो आप, भाई जल चुकी है स्किन, तो ऑलरेडी जल गई है ठंड से, तो फेस बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, तो ये कल थोड़ा हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने आग तो जला ली है, हवा चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नहीं, स्किन ख़राब हो चुकी है, अब ये पता नहीं कब तक ठीक होगी, और ऊपर से मैं ज़रा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हूँ, तो मैंने एलोवेरा जेल पेल दिया था इसके ऊपर, तो भाई एलोवेरा जेल ने और ज़्यादा स्किन को वो करके ठंड में ज़्यादा ही वो कर दिया, तो अभी स्किन चल चुकी है। और मैं बात कर रहा था कि हम लोगों को अगर कोई जंगली जानवर मिलता है और कुछ होता है वो शायद हो सकता है वीडियो आप तक ना पहुंच पाए, बट ऑप्शन है कि कल को अगर कुछ होता है हमारे फ़ोन तो मिलेंगे ही, तो मेरे फ़ोन का पासवर्ड किसको पता है, किसको पता है, किसको पता है, सिर्फ राहुल मोहित, हाँ राहुल मोहित, ध्रुव अजीत, ये तीन चार लोगों को मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता है सिर्फ, तो वो लोग वीडियोस देख सकते हैं, और क्या हुआ क्या होगा वो भी उन लोगों को दिखेगा, बट होप कि ऐसा कुछ हो ना, रास्ता ही नहीं है भाई, कहाँ जाना है, तो रास्ता ढूंढते हैं भाई पहले, बाकी उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई चल रहे हैं हम बिना रास्ते के, और चले ही जा रहे हैं, बस कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए अब हमारे साथ। झाड़ियों के बीचों बीच बिना रास्ते के बर्फ़ के ऊपर, वैसे बस पानी की आवाज़ हम लोगों को सुनाई दी है, बट फिर भी डर लग रहा है जाने में। हाँ नाम तो रिस्क से बनते हैं, पर यहाँ नाम गुमनाम ना हो जाए वो ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है। बट चलो जो भी होगा देखा जाएगा। भाई रास्ता कहाँ है,
जो टीममेट्स अपने साथ आने वाले थे उनको दिखाएंगे कि दोस्तों ऐसा होता है पहाड़ों पे। है आवाज तो आवाज सुनाई दे रही है भाई, बट ये कुछ और भी सुनाई दिया। भाई मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, एक मिनट, गिम्बल पॉकेट में डालना पड़ेगा। सो भाई बर्फ़ अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बट अभी ये ब्लैक आइस नहीं है, नॉर्मल बर्फ़ है। और यहाँ पर पानी भी है, तो पहले पानी पियेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई बहुत रिस्क लिया हम लोगों ने, बहुत ही बड़ा रिस्क, बट जब तक हम लोगों को रियलाइज़ हुआ तब तक हम लोग बहुत दूर निकल चुके थे। फिर कुछ नहीं हो सकता था, फिर ये था कि अब वापस जाके भी क्या फ़ायदा, वापसी पे भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ आते टाइम भी तो वो वहाँ सामने वाली तरफ कहीं वाटरफॉल है, पहुँच जाएंगे हम थोड़ी सी देर में, पहले पानी पियेंगे वो वहाँ से। सो पानी पीने के बाद फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, और पानी था भाई मीठा पानी, हर कुछ ही का टेस्ट था पानी का, बिल्कुल मीठा पानी हर कुछ। और रास्ता अभी भी नहीं है, तो भाइयों आ तो हम लोग गए हैं नज़दीक काफ़ी वाटरफॉल के, बट अभी भी ये है कि पहुंचना दूर है वहाँ से वाटरफॉल तक, काफ़ी दूर है अभी वाटरफॉल। भाई यहाँ से क्रॉस नहीं किया जा सकता है, नीचे जाना पड़ता है। वह नहीं है नाड़ी है, ऊपर से हो जाएगा, नहीं होगा नाड़ी है, गिरेंगे पड़ेंगे। सो ये देख सकते हो आप चलना कितना इजी है। और हम लोगों को देखो ये इस लेवल के माउंटेनर्स हैं, हम स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चढ़े हुए हैं, ना स्नो बूट्स ना कुछ ना कुछ, मतलब ये बर्फ़ वगैरह तो अनएक्सपेक्टेड है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि बर्फ़ मिलेगी हम लोगों को ट्रैक पे। चलो नॉर्मली चलना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ अब पता लग रहा है। तो वाटरफॉल के तो हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं, बट रास्ता नहीं है, अब बस चले जा रहे हैं बिना रास्ते के। सो वो वहाँ सामने वाटरफॉल है, वाटरफॉल तो दिख चुका है और रास्ता भी अब हम लोगों को मिल चुका है। पहले हम बिना रास्ते के चल रहे थे, बट अब हम लोगों को रास्ता मिल चुका है और अभी रास्ते वैसे होकर के चलेंगे। तो 10 से 20 मिनट का रास्ता है वाटरफॉल तक का, अब बच रहा है जो, उसके बाद तो भाई सीधे आंखें बंद करके दौड़ेंगे वापस, भागेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, सीधे पहुँचने वाली बात होगी। बट पहले वाटरफॉल पहुँचे उसके बाद बाकी सब कुछ। भाई पानी चल रहा है, रास्तों में हम लोगों को जंगली जानवरों के इतने ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिले कि हम लोग डर डर के बुरे हाल थे हमारे कि हम लोगों को कुछ मिले ना। बस वही है, अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक जा रहा है, बाकी उसके बाद पता नहीं। वापस भी हम लोगों को अभी चाखुंड तक जाने का बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, वो भी हैं इस तरह, पहले बाहर निकलते हैं जंगल से। भाई एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहे हैं अपने साथ। तो व्यू आप देख सकते हो, और सामने केव, ऐसी जगहों पे केव का मतलब आप समझ ही सकते हो कि जानवरों के रहने की जगह। और यहाँ से रास्ता नहीं है, हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और वो सामने वाटरफॉल है भाई, आधा वाटरफॉल फ्रीज है और आधा दिख नहीं रहा है। सो फाइनली
हम लोगों को वाटरफॉल दिख चुका है, बट आप लोगों को अभी तक नहीं दिखा है। आपको दिखाऊंगा मैं एक मिनट के बाद, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ रास्ता पहले। तो सो पेस है गुगछो द वाटरफॉल, और ये पता नहीं कितना नीचे तक है, वहाँ तक जाया नहीं जा सकता, पहुँचा नहीं जा सकता है। तो यहीं से आपको मैं ये दिखाता हूँ वाटरफॉल का व्यू, और यहाँ से आसपास का बर्फ ये देख सकते हो आप, ये जमे हुए हैं हर तरफ, और सामने केव, और ऊपर आसमान में बादल, और ये इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ का। भाई ये वाटरफॉल देखने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इन जंगलों में से होकर के हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। और सामने वाटरफॉल फ्रीज है, है ऊपर से पानी भी आ रहा है, और भाई साथ साथ में बर्फ भी गिर रही है, इतने बड़े बड़े ढेर अवलांच गिर रहे हैं जैसे, तो बीच बीच में वो भी, और वो नीचे वहाँ तक दिख पा रहा है, वहाँ से नीचे भी काफ़ी नीचे तक वाटरफॉल है ये। भाई दिल खुश हो गया ये व्यू देख के, और ये यहाँ से नीचे का व्यू और ऊपर का व्यू। तो भाई ये केव बार बार दिख रही है, तो हालत हमारी समझ सकते हो आप। और ये देखो आप का व्यू, और ये टीममेट मेरा, ये साथ में काफ़ी डरा हुआ था ये भी, और मैं भी, दोनों काफ़ी डरते डराते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं वापसी, और वो देख सकते हो आप वाटरफॉल 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 हर कुछ। तो वाटरफॉल से अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वापस जाना ही बेटर ऑप्शन है अब, क्योंकि घर भी निकलना है। तो निकल रहे हैं वापस यहाँ से। सो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं वापस वाटरफॉल से लौट कर चाखुंड, एंड अभी मैं भरूँगा इसमें बर्फ घर के लिए। तो बस यही अब काम बचा है, एक बर्फ़ घर के लिए। सबसे पहले ऊपर से जो ओंस वाली वो है उसको हटाना है, एंड उसके बाद ये बर्फ़ हम लोगों को भरनी है घर के लिए अपने, कि अपनी तरफ अपने घर वाली तरफ आजकल बहुत कम बर्फ़ गिरती है, तो घर वालों के लिए यहाँ से हम बर्फ़ लेके जाएंगे। पूरा भर के लेके जाएंगे ये डब्बा हम, क्योंकि इस सीज़न की बर्फ़ का क्या होता है, ये पिघलती नहीं है इतनी आसानी से, तो ये ईज़िली घर पहुंच जाएगी। तो ये भर चुका है और घर जाने के लिए तैयार है डब्बा। सो लास्ट व्यू चाखुंड लेक का, और यहाँ से अब हम घर जाने के लिए तैयार हैं, और नेक्स्ट ट्रैक रहेगा अपना नेक्स्ट सैटरडे, अगर वेदर सही रहा तो अगला ट्रैक रहेगा अपना खजूनधार का, वो भी काफ़ी ख़तरनाक रहेगा, क्योंकि नहीं मतलब इतना एडवेंचरस नहीं रहेगा जो ये था वाटरफॉल वाला, भाई ख़तरनाक था, इतना तो नहीं रहेगा, बट ये है कि वो भी मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ, तो एक वो रहेगा नेक्स्ट सैटरडे का, तो वहाँ जाऊँगा मैं। और फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना भाई, और फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।